बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में लगातार दूसरे दिन बैंक कर्मियों की हड़ताल जारी है। देश भर के सभी सरकारी बैंकों के 9 लाख से ज्यादा कर्मचारी इस हड़ताल में हिस्सा ले रहे हैं। इससे बैंकिंग सेवाओं पर असर हो रहा है और आम लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। पहले दिन के हड़ताल से करीब 19,000 करोड़ के बैंकिंग कामकाज के प्रभावित होने का अनुमान है। ये 4 तस्वीरें आपकी चल रही स्क्रीन पर, एटा, गोरखपुर, मुंबई, ऋषिकेश, यहाँ पर हड़ताल की वजह से आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। बैंक के जो काम है वो पूरी तरह से बंद रहे हैं, बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि 19,000 करोड़ रुपए के कामकाज प्रभावित हुए हैं। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के महासचिव CH वेंकट चलम ने दावा किया है कि पहले दिन के हड़ताल से 20.4 लाख चेक का क्लियरेंस अटक गया। इससे 18,600 करोड़ रुपए के बैंकिंग कामकाज प्रभावित हुए। सरकारी बैंक कर्मियों की हड़ताल के चलते गुरुवार को जमा निकासी, चेक क्लियरेंस, लोन अप्रूवल जैसे काम प्रभावित हुए। आपको बता दें कि निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मियों ने हड़ताल करने के लिए 2 दिन की सैलरी कटाई है। बैंकर्स ने 1 दिन की 3,000 की सैलरी कटाई। सभी कर्मचारी ने 2 दिन की हड़ताल के लिए कितनी सैलरी कटाई है इसका अनुमान लगातार लगाया जा रहा है। तो दूसरे दिन भी हड़ताल लगातार जारी है। मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं सुभाष, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बैंक कर्मियों की हड़ताल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, कितना नफा कितना नुकसान यहां हुआ है? बिल्कुल, उत्तराखंड को भी एक बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि 2 दिनों के लिए बैंक पूरी तरीके से बंद, और उत्तराखंड ग्रामीण बैंक ने भी इन का समर्थन करते हुए अपने 2 दिन के जो कार्यकाल है वो बंद करने की बात कही है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है खामियाजा न केवल प्रदेश को बल्कि आम जनमानस को भी हुआ, जो चाहते थे कि वो बैंक में अपने कामकाज पूरे करें क्योंकि अंतिम दिन है, क्योंकि साल का अंतिम वो महीना भी चल रहा था, तो लोग चाहते थे कि उनके कामकाज जल्द से जल्द पूरे हो पाए। लेकिन कहा जा सकता है कि बैंक कर्मियों की हड़ताल से कहीं ना कहीं खामियाजा आम जनमानस को भी यहाँ भुगतना पड़ रहा है। जी बिल्कुल सुभाष, देखा जाए तो कल भी उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जिलों में जो कर्मचारी थे बैंक के, वो कहीं ना कहीं हड़ताल करते हुए नजर आ रहे थे। क्या मांगे हैं उनकी मूलतः जो आम जनता है, क्योंकि इससे बेहद परेशान हो रही है? अगर 2 दिन की हम बात करें तो 2 दिन की हड़ताल है, लेकिन 1 सप्ताह कहीं ना कहीं बैंक के काम नहीं हो पाएंगे आम जनता के लिए। जी बिल्कुल, अगर उनकी मांगों की बात करें तो निजीकरण जिस तरीके से उन बैंकों का किया जा रहा है उसके विरोध में वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये प्रदर्शन ना केवल आज से है बल्कि जब से केंद्र सरकार ने बैंकों का निजीकरण करने की बात की है उसके बाद से वो विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। आपने देखा होगा कि पिछले काफी लंबे समय से वो हड़ताल पर थे, मांग कर रहे थे कि जो सरकार है उनकी मांगों को सुने, लेकिन क्योंकि सरकार का रुख उनके लिए कोई बेहतर नहीं दिखा तो उसके चलते वो अब 2 दिवसीय हड़ताल पर चले गए थे। और खामियाजा जैसे कि आपने कहा कि आम जनमानस को कितना भुगतना पड़ रहा है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया का साल का अंतिम ये महीना है, और ऐसे में सभी लोग चाहते हैं कि उनके कामकाज बहुत तेजी से हो और तमाम जो चीजें हैं बैंक से जुड़ी हुई वो लोग खत्म करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि बैंक हड़ताल होने के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और ये परेशानी लोगों के लिए बहुत मुसीबत बनती हुई भी नजर आ रही है क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न लोगों ने भरनी है, अपनी बैंक की पासबुक लोगों ने एंट्री करानी है, और तमाम और अन्य चीजें हैं जिसको लोग जल्द से जल्द पूरा करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि बैंक हड़ताल पर है तो उसका खामियाजा आम जनमानस को भुगतना पड़ा, और खास तौर से राजधानी देहरादून। बिल्कुल सुभाष, और आने वाले समय में जैसे कि क्रिसमस का त्योहार है वो देश भर में मनाया जाता है, इसके अलावा फिर नए साल भी आ जाएगा, तो ऐसे में लोगों को पैसे की जरूरत है और अब बैंक कहीं ना कहीं हड़ताल पर हैं, तो ऐसे में तमाम दिक्कतें तो हो ही रही हैं। इसके अलावा क्या कोई और सुविधा है जिसके माध्यम से आम जनता पैसे की निकासी कर सके, पैसे का लेन देन कर सके?
बिल्कुल, क्योंकि बैंक बंद है तो दूसरा कोई रास्ता लोगों के पास बचता नहीं है, क्योंकि जो एटीएम मशीनें हैं जिस निजी बैंकों की, उन एटीएम मशीनों में भी पैसा नहीं आ पा रहा, और यही वजह है कि लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ऑनलाइन ट्रांसफर जरूर लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसकी सीमा बहुत कम होती है। इस वजह से कहा जा सकता है कि त्योहारी मौसम आने वाला, और क्योंकि क्रिसमस आने है, नया साल के जो बड़ा त्योहार लोग मनाते हैं, चाहे वो राजधानी देहरादून में कहा जाए, मसूरी में कहा जाए, ऋषिकेश में कहा जाए, लोग बेहतर तरीके से नए साल को एंजॉय करते हैं, मनाते हैं। लेकिन क्योंकि बैंक बंद होने के कारण बड़ी समस्या उन बड़े उद्योगपतियों को भी आ रही है, जो रोजाना बैंक में अपने डिपॉजिट पैसे करते थे, रोजाना उनका बड़ी बड़ा लेन देन होता। तो कहा जा सकता है कि समस्याएं जरूर है बड़े उद्योगपतियों के पास, पर उन मिडिल क्लास लोगों के पास भी, जो अंतिम महीने में चाहते थे कि उनका जो कामकाज है बैंक का वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। जी बिल्कुल सुभाष, इसके अलावा अगर बात की जाए तो बताया जा रहा है कि जो बैंक कर्मचारी हैं वो 3 दिन की अपनी सैलरी जो है वो कटवा रहे हैं, यानी कहा जा सकता है कि जो कर्मचारी हैं वो 3 दिन की सैलरी कटवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। फिलहाल तो ये 2 दिन का पूरा प्रदर्शन है, जो आंदोलन है, जो धरना है, वो दिखाई दे रहा है। क्या आपकी बातचीत हो पाई है बैंक कर्मचारियों से, क्या कहना है उनका, क्या आगे भी इनका ये प्रदर्शन यूँ जारी रह सकता है? जी बिल्कुल, अभी केवल 2 दिन का प्रदर्शन करने की उन्होंने बात की, और सरकार को चेताने के लिए उन्होंने इस तरीके का कदम लिया, लेकिन उनकी मांगें पूरी नहीं की गई। उनकी बातों है, उनकी वार्ता सरकार से बेहतर तरीके से अगर नहीं होती है तो आगामी दिनों में वो प्रदर्शन, यानी कहा जाता है बैंक हड़ताल बढ़ा सकते हैं। लेकिन बड़ी चीज ये है कि इससे ना केवल प्रदेश का, देश का, बल्कि उन आम जनमानस को भी नुकसान हो रहा है जो उद्योग करते हैं, जो जिनका रोजाना बैंक में काम होता। तो कहा जा सकता है समस्याएं ना केवल बैंक कर्मियों के लिए बल्कि उन आम जनमानस के लिए भी बहुत बढ़ सकती है, यदि हड़ताल बैंक कर्मी आगे बढ़ाते हैं तो। लेकिन क्योंकि जी जैसे आपने बताया, वो वेतन अपना कटवाने के लिए तैयार है, सरकार ने पहले ही कहा था जो काम नहीं करेगा उसको वेतन नहीं दिया जाएगा। तो जो बैंक कर्मी है वो अपनी मांगों में इतने अड़िग हैं कि वो चाहते हैं कि अगर उनका वेतन कट भी जाता है कोई बात नहीं, लेकिन वो हड़ताल जारी रखेंगे। जी बिल्कुल सुभाष, और देखिए इस समय शादियों का भी सीजन चल रहा है, तो ऐसे में पैसों की बहुत ज़रूरत होती है, चाहे वो जिसके घर में शादी है उसकी बात कर ले, या फिर तमाम जो केटरिंग से आते हैं, तमाम जो टेंट वगैरह देखते हैं, जो बैंकट्स हॉल से, उन्हें भी पैसे की जरूरत पड़ती है। ऐसे में लेन देन की समस्या भी लगातार बनी हुई है। क्या आपकी बात हो पाई है ऐसे लोगों से, उन्हें किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, क्या उन्हें पहले से ही, क्योंकि बैंक की तरफ से अल्टीमेटम दे दिया गया था कि अगर किसी को जरूरत है तो पहले ही वो अपने कामकाज निपटा ले, वरना आने वाले समय में दिक्कतें हो सकती हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि परेशानी लोगों को जरूर हो रही है, और काफी लोग ये देखा जा रहा है जिनको जानकारी नहीं थी वो बैंक के बाहर भी आपको नजर आ सकते हैं। लेकिन बड़ी चीज ये है कि लोग मायूस होकर बैंकों से वापस जा रहे हैं जिनको जानकारी नहीं थी, और लोगों की नाराजगी जरूर इससे बढ़ती भी जा रही है, खासतौर से बैंक कर्मियों को लेकर कि आखिरकार उनकी हड़ताल का कारण क्या है। लेकिन बैंक कर्मियों का साफ तौर से कहना है, जो संगठन उनके द्वारा बनाया गया, उनका कहना है कि हम इस तरीके के आंदोलन लगातार करते रहेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, उनकी जो व्यवस्था है वो बेहतर नहीं की जाती। और बड़ी चीज ये है कि उन संगठनों को लेकर उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के जो कर्मचारी है वो भी उनके समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने भी 2 दिन का बैंक बंद करने का अपना आह्वान किया। तो कुल मिलाकर बड़ा खामियाजा राज्य सरकार और आम जनता को उत्तराखंड में हो रहा है। जी बिल्कुल सुभाष, शुक्रिया तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए। तो पहले दिन 19,000 करोड़ के काम जो हैं वो रुके हैं, काफ़ी नुकसान यहां पर हुआ है। ऐसे में आम जनता बेहद परेशान है, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता था कि बैंक कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल करने वाले हैं। तो ऐसे में कईयों को हमने बैंक के बाहर लाइन में लगते हुए भी देखा, परेशान होते हुए भी देखा। तमाम जो बैंक यूनियंस हैं, जो संगठन हैं, वो सड़कों पर निकले हुए हैं, जमकर नारेबाजी की जा रही है। केंद्र सरकार के इस कदम से बेहद नाराज ये बैंक कर्मी नजर आ रहे हैं। हालांकि पहले ही कहा गया था कि अगर यहां पर बात नहीं मानी जाती और हड़ताल पर जो भी कर्मचारी जाते हैं तो उनकी कहीं ना कहीं जो सैलरी है वो काट ली जाएगी, लेकिन जो बैंक कर्मी है वो सैलरी कटवाने के लिए तैयार हैं लेकिन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर ये हड़ताल हम कल से ही देख रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान जो झेलना पड़ रहा है, करोड़ों के कामकाज ऐसे हैं जो अब भी रुके पड़े हैं। बताया जा रहा है कि करीब 22 लाख चेक हैं जिनका क्लियरेंस बाकी है, और इसके अलावा कुछ ऐसे चेक भी हैं जिनका क्लियरेंस पहले ही दे दिया गया था, क्योंकि पहले ही बैंक कर्मचारियों द्वारा आम जनता से अपील की गई थी कि अगर उन्हें अपने कामकाज बैंक से जुड़े
पूरे निपटाने हैं तो पहले ही निपटा लें, क्योंकि 16 और 17 को यहां पर भारी संख्या में हड़ताल होने वाली है। बैंक के जो कामकाज है वो पूरी तरह से बंद रहेंगे। तो निजीकरण को लेकर, प्राइवेटाइजेशन को लेकर कहीं ना कहीं जो बैंक कर्मचारी हैं वो बेहद परेशान हैं। और आज से ही नहीं, कई दिन पहले भी इस तरह की हड़ताल देखी गई थी। हालांकि इस हड़ताल के बावजूद भी कोई असर होता हुआ नजर नहीं आया था। एक बार फिर से ये देशव्यापी हड़ताल जो है बैंक कर्मियों द्वारा की जा रही है, इसका कितना असर पड़ेगा ये फिलहाल देखना होगा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दूसरे दिन भी लगातार हड़ताल जारी है, प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। तो गाजियाबाद से मेरे सहयोगी जितेंद्र और मेरठ से मेरे सहयोगी मनवर मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनवर, सबसे पहले आपका मैं रुख करूंगी, मेरठ में किस तरह के हालात देखने के लिए मिल रहे हैं? मनवर, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? तो मनवर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मैं जितेंद्र का रुख करूंगी। जितेंद्र, गाजियाबाद, गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो यहां पर किस तरह की दिक्कतें हो रही है, क्या कोशिश हो रही है आज बैंक खोलने की, या फिर आज पूरी तरह से बंद रहने वाले हैं बैंक कल की तरह ही? जितेंद्र, आवाज आ रही है मेरी? ठीक, आज उसी तरह से और गाजियाबाद की, जी हाँ हेलो। और अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो लगभग इसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गाजियाबाद को अकेले, सिर्फ गाजियाबाद को 450 करोड़ का लेन देन प्रभावित हुआ है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गाजियाबाद किस तरह के हालात में इस वक्त गुजर रहा है। अगर कल की बात की जाए, कल बैंक बंद रहा, आज बैंक बंद है और कल शनिवार है, कल शनिवार को लगभग बैंकों में 12 बजे तक काम किया जाएगा, उसके बाद आपका संडे आ जाएगा। तो संडे को लेकर कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस तरह से, जिस तरह से जो हड़ताल हुई है उससे कहीं ना कहीं पूरा जो ये वीक है ये प्रभावित हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को पता नहीं था कि बैंक बंद है, वो बैंक पहुंच रहे थे और वहां जाकर हताश और निराश हो रहे थे। और सबसे ज्यादा चिंता उन लोगों को हुई है जिन्होंने चेक्स लगाए हैं, लेकिन उनके चेक अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद एक मेजर सिटी है और यहाँ पर अगर इंडस्ट्रियल एरियाओं की बात की जाए तो लोनी इंडस्ट्रियल एरिया है, बुलंदशहर इंडस्ट्रियल एरिया है, तमाम ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर बैंकों के अगर काम रुक जाते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे व्यापार पर फर्क पड़ता है। क्या आपकी बात हो पाई है बैंक कर्मचारियों से, क्या कहना है उनका, ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी, आज भी क्या पूरी तरह से बैंक बंद रहेंगे और कल खुलने की उम्मीद क्या है, आने वाले समय में किस तरह का संकेत यह हड़ताल दे रही है? जी बिल्कुल, देखिए कल की अगर बात की जाए तो कल जिस तरह से बैंक खुलते हैं उसी तरह से बैंक खुलेंगे, लेकिन जिस तरह से दो दिन बैंक बंद रहे तो कहीं ना कहीं जो बैंक कर्मचारी है उन पर भी लोड रहेगा। और दूसरी बात, बैंक कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से वो आंदोलन कर रहे हैं वो इसको एक बड़ा रूप देना चाहते हैं, क्योंकि निजीकरण जिस तरह से हुआ है उससे कहीं ना कहीं लोग प्रभावित हुए हैं और जो बैंकों के जो चार्जेस है वो चार्जेस बढ़े हैं, जिसके चलते लोग अब अकाउंट खुलवाने में भी थोड़ा सा झिझकते हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए उन लोगों की जो बैंक में पहले काम करते थे, और जब बैंकों का निजीकरण हुआ तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने भी अपने नौकरी से हाथ धोया, तो इससे कहीं ना कहीं एक बेरोजगारी भी निकल कर सामने आई है। और लोगों का सिर्फ यही कहना है कि हम लगातार सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं, इससे पहले भी हमने लगातार जो है प्रदर्शन किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार हमारी बातों की तरफ सुनना तो कोई ध्यान नहीं दे रहे, जिसके चलते अब ये दो दिन जो है फिर एक बार इसी तरह से लोगों को, पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी इस बात को लेकर, निजीकरण को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जो बैंक कर्मी है वो हड़ताल पर गए थे, हालांकि उसके बाद भी कोई विकल्प नहीं निकला था, कोई रास्ता नहीं निकला था। इस बार क्या उम्मीदें हैं बैंक कर्मचारियों को, क्योंकि लाखों की संख्या में बैंक कर्मचारी निकले हुए हैं देश भर से? देखिए, इस बार उम्मीद है कि हो सकता है कि केंद्र सरकार जो है इस पर कोई फैसला ले, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में सरकार नहीं चाहेगी कि किसी भी तरह का किसी भी राज्य में कोई प्रदर्शन हो। जैसे कि आपने देखा किसान आंदोलन को भी इसी तरह से खत्म किया गया, अब वहीं दूसरी ओर एक दिन किसान आंदोलन खत्म होता है और दूसरे दिन बैंक का जो है आंदोलन शुरू हो जाता है, ये इनकी जो हड़ताल शुरू हो जाती है। तो तमाम ऐसी चीजें कि रास्ता निकलने की पूरी उम्मीद तो लग रही है कि हाँ, कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस बार जो बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है उसके खिलाफ भी सरकार खुद अपने आप ही कोई कदम उठाएगी, लेकिन ये देखने वाली बात होगी, इस समय बताएगा। तो क्या आपकी बातचीत हो पाई है बैंक कर्मचारियों से, आज ये जो प्रदर्शन है कहाँ कहाँ होगा गाजियाबाद में, कितनी संख्या में बैंक कर्मचारी इसमें शामिल होंगे, क्या आम जनता का भी साथ बैंक कर्मचारियों को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो जो लोग जागरूक हैं
वो बैंक कर्मचारियों का साथ दे रहे हैं। गाजियाबाद के नवीक मार्केट में केनरा बैंक के सामने ये प्रदर्शन किया जा रहा है और सैकड़ों की जो भीड़ है वो वहां पर पहुंच रही है। अब सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, तमाम ऐसी चीजें हो रही है क्योंकि लोग खुद ब खुद परेशान हो चुके हैं निजीकरण से, क्योंकि जब से बैंकों का निजीकरण हुआ है बैंकों के जो सर्विस चार्ज है उनमें एक इजाफा देखने को मिला है जिससे लोग काफी नाराज है और उनका यही कहना होता है कि वो निजीकरण के खिलाफ है क्योंकि जिस तरह से बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हुआ है उससे कहीं ना कहीं एक तो लोगों की नौकरियां कम हुई है और कहीं ना कहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो लोगों के जो संसाधन थे बैंक को लेकर वो सीमित कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे हम लेते रहेंगे।